है पल्सर, बजाज पल्सर। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये गाड़ी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है, मतलब कि 10-12 के स्पीड में चल रही है। देख रहे फुल एक्सलेटर, गाड़ी स्टार्ट तो है बट रेस नहीं ले रही है। और इंजन से बहुत ज़्यादा किट 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 आवाज़ आ रही है। यहाँ से स्पार्क करंट लीकेज कर रहा है, इस जगह से करंट लीकेज कर रहा है। हमारी तो स्टार्ट मेरे ख्याल से इसका जो ऑयल है वो हेड में नहीं चढ़ रहा है, तो कैम शाफ्ट वगैरह मेरे ख्याल से इसका ख़राब हो गया होगा, कैम शाफ्ट रोकर ख़राब हो गया होगा। लग रहा कि उसका ऑयल पंप काम नहीं कर रहा। अगर टाइमिंग चेन इस पॉकेट से आउट होता तो वाल को टेढ़ा कर देता। वाल टेढ़ा नहीं है इसका, स्टार्ट हो रहा मतलब वाल टेढ़ा नहीं है। इसे मैं कल खोलूँगा, इसका कैम शाफ्ट और रोकर कल मैं चेक करूँगा, आपको दिखाऊँगा। गाड़ी एकदम लोड में नहीं खींच रही है, सिंगल स्पीड में 12-15 के स्पीड में खींच रही है। और जिनका गाड़ी है वो ऐसे ही चला रहे कितने दिनों से। ये इसका फुल एक्सीलेटर है, कल मैं इसे खोलूँगा, आपको इसका वीडियो कल कोशिश करूँगा कि वीडियो बना कर दूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ।